खुश आमदीद मेरे चैनल में एक नए व्लॉग के साथ। तो जी आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपनी मेकअप कलेक्शन, मतलब अपनी सबकी, मतलब क्योंकि यह बंदा ईद पे मेकअप करता है या किसी शादी ब्याह पे मेकअप करता है या कहीं जाना हो, कहीं एकेडमी के फेयरवेल पार्टी हो या कहीं जाना हो तब करता है। नॉर्मल तो कोई मेकअप नहीं करता। तो ये हमारा मतलब जो जितना हमें जरूरत होती है ना उतना हमारा मेकअप है, मतलब जिस चीज़ की हमें जरूरत होती है बस वो है हमारे पास। कोई भी चीज़ हमारे पास इस तरह नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है, फालतू नहीं। ठीक है जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसी लग रही होगी आप लोगों को, लेकिन मेरी तरफ से तो ठीक है इसलिए मैं बना रही हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए वीडियो, कर दीजिए लाइक। चले जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कि सारी लाइटें ऑन है, मैंने ऊपर से वो ब्राइटनेस भी फुल की हुई है, उसके अलावा मोबाइल की भी अपनी एक रोशनी होती है जो टॉर्च चलाते हैं ना एक्स्ट्रा आती है। तो उम्मीद है सब लोगों को बहुत क्लियर तरीके से पता लग रहा होगा। चले जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजकल मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर कर रही हूँ अपने चैनल पे जिनके ऊपर मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई है पहले, तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। जैसे पिछली वीडियो मैंने आप लोग से शेयर की है अपनी ड्रेस डिजाइनिंग, किसी ने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चले जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। जी ऑर्गेना टच का हमारे पास इंस्टेंट ग्रोथ हेयर ऑयल है जो कि मैंने अभी यूज नहीं किया। इसके ऊपर लिखा हुआ कि 100% नेचुरल ऑर्गेनिक है फॉर आल टाइप्स। ठीक है, और बाकी जो इसके यहाँ पर लिखा हुआ बेनिफिट्स, इसके डायरेक्शंस लिखी हुई हैं। ये मैंने यूज नहीं किया, मेरी सिस्टर ने एक दो बार यूज किया है। ठीक है, तो जब मैं यूज करूंगी आप लोग से रिव्यू शेयर कर दूंगी इसका। उसके बाद जो सेकंडली ये परफ्यूम पड़ा हुआ है, यहाँ पर होममेड टिंट है, और जी ये भी एक टिंट है। ये मैंने BF कॉस्मेटिक्स इंस्टाग्राम पिंग का पेज है और इनकी ओनर है बड़का फायदा, उन्होंने मुझे एक डिस्काउंट कोड भी दिया था, मतलब ये मैंने खुद मंगवाया था और फिर उन्होंने मुझे डिस्काउंट कोड दिया था। अच्छा, जब इंस्टाग्राम पर डिस्काउंट कोड है वो मैं आप लोग की स्क्रीन पे लिख दूंगी। डिस्काउंट कोड से आप लोगों को ये फायदा होगा कि उन्होंने मुझे डिस्काउंट कोड दिया होगा एक मेरे नेम पे, उस पर आप लोगों को मेरे ख्याल से पता नहीं कितना परसेंट ऑफ होगा, वो मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी, उतना परसेंट आप लोगों को ऑफ मिल जाएगा। इसके लिए इसका तरीका ये होता है कि अगर आप लोगों ने ये टिंट लेना है तो आप लोगों ने उनको मैसेज करना है, जो आके उनके पेज पे DM करना है, बताना है कि हमने ये टिंट लेना है और हम ग्लो विद महविश के मतलब ये डिस्काउंट कोड यूज कर रहे हैं, तो वो आप लोगों को उतना परसेंट ऑफ दे देंगे। ठीक है, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट पे चलते हैं, ये स्टिक पड़ी हुई है, मतलब जो जो ईद की चीजें हैं, क्योंकि हम लोगों ने कल सफाई की है तो इसलिए फिर जो जो ईद की चीजें हम लोगों को चाहिए थी ज्यादातर वो आगे रखी है। ये रिवाज यूके की जी फाउंडेशन है। ठीक है जी, रिवाज यूके की ये फाउंडेशन है जिसकी म्यूसिन फाउंडेशन है, जो पता नहीं हमने निशू खान की ताशा वकास की पता नहीं मरीम परवेज किसकी रिकमेंडेशन पे मंगवाई थी। ठीक है जी, ये एक फाउंडेशन है। उसके अलावा जी साथ में है हमारे पास डेटोल का सैनिटाइजर पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाई जा रही हूँ, बाद में मैं इसको सेट करके रख लूंगी। साथ जो हमारे पास ड्रमाइजेशन वालों का ब्राइटनिंग फेस फ्रेशनर, इनका जितना भी फेशियल है बहुत अच्छा है, बहुत स्किन को मतलब ना सॉफ्ट कर देता है, अच्छा कर देता है। उसके बाद जी ऐसा का यहाँ पर मेनी पेडीक्योर का कूलिंग जेल पड़ा हुआ, मतलब जिस तरीके से मैंने कल सफाई की तो चीजें सेट किए ना, बस उसी तरीके से मैं वीडियो बना रही हूँ। ये स्टेप नंबर 6 है जो कि आपको कूल देता है आपके हाथों पैरों को, मतलब ये अक्सर तब यूज होता है जब शामी वगैरह बनाई हो, हाथों को शदीद मिर्ची लगी हो। आप लोग इसको किस लिए यूज करते हैं, वैसे मैंने बेडी केयर है। ठीक है, तो बताइएगा। ये साथ साथ मैं चीजें करते जा रही हूँ सेट। उसके बाद जी यहाँ पर आ जाते हैं, ये रिवाज यूके का प्रोटेक्शन सन ब्लॉक जो कि बहुत बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, मैंने यूज किया हुआ है काफी। और सन ब्लॉक ना किसी भी एज के लोग यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर बिगिनर्स है तो वही यूज करें आपकी, क्योंकि ना सन रेज से आपने अपनी स्किन को सिर्फ प्रोटेक्ट करना होता है, उसके अलावा इसका कोई नहीं होता। बाकी ये बहुत ही अच्छी मतलब प्राइस मिल जाता है। ये हम लोगों ने लिया था भावलपुर ट्रेड सेंटर से गाइज, और भावलपुर ट्रेड सेंटर में एक शॉप है, इंशाल्लाह जब मेरा चक्कर लगेगा ना अब तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी ट्रेड सेंटर की, तो उसके अंदर शेयर करूंगी। वहां से ना आप लोग, वो एक शॉप है सेकंड फ्लोर पे, ठीक है, ट्रेड सेंटर की, आप लोग कोई भी चीज लोगे ना उस शॉप से तो आप लोगों को ना रिवाज यूके की चीजों पर रिवाज यूके का टैग मिलेगा। तो बड़ी ना मतलब चीन से शॉप है, तो मैं आप लोग को उसका इंशाल्लाह किसी व्लॉग में विजिट करवाऊंगी। और ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा है, ये आपके फेस पे थोड़ी सी ना व्हाइटनिंग भी देता है, लेकिन जो सनब्लॉक होता है ना उसका असल काम स्किन को प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है जी, हम लोग आते हैं इस तरफ, यहाँ पर कुछ ब्रशेस पड़े हुए हैं, मैं आप लोगों को ना यहाँ पर निकाल के रख दिखाती हूँ प्रॉपर। ये कुछ ब्रशेस है जो कि कल मैं सफाई कर रही थी तो मुझे जो समझ आया कि हमारी ईद में यूज होगी वो मैंने रख दिए। ठीक है, ये वाला एक ब्रश है, ग्लैमरस फेस के ब्रशेस हैं, और ये लिपस्टिक ब्रश है, ये वाला जी आई मेकअप किसी ने करना तो उसके लिए, ये ब्लश एंड ब्रश है, और ये भी, ये हम लोगों ने ना जी ये वाले जितने ब्रशेज हैं इस तरह के, ये हम लोगों ने ग्लैमरस फेस से ऑर्डर किए थे। ठीक है, मतलब लिए थे, ऑर्डर नहीं किए थे सॉरी। और ये वाले जो आप लोगों को ब्रशेज नजर आ रहे हैं ना, ये वाले
हाथ में पकड़ के दिखाती हूँ, हम लोगों ने फेसबुक से किए थे। बाकी ये जो आईब्रो सेट करने वाला होता है ये वो है, और उसके अलावा कुछ और ब्रशेज है। अच्छा, इस तरह के जो ब्रशेज होते हैं ना उनके आप लोग सिर्फ शेप चेंज करके ना इनसे आप लोग कंटूरिंग भी कर सकते हैं नोज की और बाकी फेस की, और यहाँ से आप लोग ब्लशिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये भी वही ब्रशेज है, मतलब ये वो ब्रशेज है जो कि मुझे लगा था कि हम लोग ईद पे यूज कर लेंगे, उनको मैंने क्लीन करके रख दिया था। क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोगों ने ना, चीजें मैंने आप लोगों को बताया बहुत कम यूज होता है मेकअप, किसी शादी पे जाना हो, किसी वेडिंग पे जाना हो, किसी मतलब आप ईद है तो ईद के तीनों दिन मतलब भरपूर तरीके से तैयार होता है, ठीक है। तो आप लोग से इंशाल्लाह मैं इस सीरीज में भी शेयर करूंगी। वीडियो कैसी लगी होगी बताइएगा मुझे, ठीक है। और मैं अभी फ्री थी तो मैंने सोचा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, इसकी चीजें मैं निकालती हूँ, नीचे रखती हूँ, फिर आप लोग देखते। मैंने सोचा एक चीज आप लोगों को मैं वैसे ही निकाल के दिखाई जाती हूँ। ये जो हमारे पास है शिफर का मस्कारा, ठीक है, और साथ से मैं आप लोगों को दिखाती जाती हूँ। सेकेंडली हमारे पास है एलोबोन का मस्कारा, जो इसका रिव्यू मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मौजूद है, स्क्रीन पे मैं ना अपना यूजर नेम मेंशन कर दूंगी। उसके बाद जी हमारे पास है लाइनर। अच्छा, जिन लोगों को लाइनर नहीं लगाना आता ना उनके लिए चीज बहुत बेस्ट है, और मुझे भी नहीं लगाना आता था। अच्छा, मैं बगैर विंग के ना बरीक बरीक लाइनर लगा लेती हूँ, तो गुजारे लाइक था, ठीक है, इतना कोई इच्छा मुझे भी नहीं लगाना आता। उसके बाद जी ये एक हम लोगों ने ली थी क्लेजोना ब्यूटी की पेंसिल, ठीक है, जो कि लिप एंड आई पेंसिल है। वॉली मिलीन के लैशेज मस्कारा, ये बहुत अच्छा था, लोरियल पेरिस का है, ये हम लोगों ने काफी टाइम यूज किया, अब खत्म हो गया ये। उसके बाद ये वाटर कैंडी का एक टिंट है जो कि मुझे बहुत फजूल लगा था, हम लोगों ने द्रा से ऑर्डर किया था। अच्छा, ये वाले टिंट बहुत अच्छे होते हैं, मेरी तरफ से दोनों रिकमेंडेड है, और ये जो है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लगाती पत्थर हो जाता है आप लोगों के, तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप लोगों के रिव्यूज कैसे रहे, आप लोगों ने ऑर्डर किया, यूज किया, कैसा रहा मुझे बताइएगा कॉमेंट में। उसके बाद जो मिस रोज प्रोफेशनल मेकअप की हमारे पास 12 डार्क रेड में हमारे पास लिपस्टिक है, ये हम लोगों ने ऑर्डर की थी फेसबुक से, बहुत टाइम हो गया लेकिन ये बहुत बहुत अच्छी थी, इसके अंदर काफी सारे कलर्स आए थे, लेकिन हुआ ये था कि हम लोगों ने मेरे ख्याल से लाइट कलर्स मंगवाए थे, उन्होंने गलती से डार्क भेज दिए, क्योंकि हम लोग ना स्टार्ट से मतलब ना लाइट कलर्स लगाते हैं, लेकिन उन्होंने गलती से हमें डार्क भेज दिए थे। अगर हम डार्क मंगवाते तो फिर बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाना था, ठीक है जी। जी कुछ परफ्यूम टेस्टर्स पड़े हुए थे जी। मिस रोज के प्रोफेशनल मेकअप की हमारे पास ये 51 मोनिका कलर में है लिपस्टिक, मैं आप लोग को निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है। 51 मोनिका कलर में है मिस रोज की, बना रही हूँ ना तो सारे चमकीले मेरे हाथों पे लगे। अच्छा यार, ये वाश यूके की हमारे पास है जी मैट आई पेंसिल, इस तरह की चीजें हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, जो मैट आई पेंसिल इस तरह की चीजें हो। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मैंने आप लोगों को बताया बहुत नॉर्मल हम लोग की चीजें पड़ी हुई हैं, मतलब सिर्फ जरूरत का मेकअप हम लोग के पास, बहुत एक्स्ट्रा मेकअप नहीं लिया हुआ। अब चलते हैं इसकी तरफ, मैंने आप लोगों को बताया था मेरी सिस्टर जब गई थी ना मुल्तान, तो वो मेरे लेके आई थी ज्वेलरी कलेक्शन, वीडियो में बताया था मैंने आप सब लोगों को, चले मैं आप लोगों को वन बाय वन दी। लिप एंड आई पेंसिल है ये, देख लें, ये वाटर प्रूफ है, और ये हम लोग ने ट्रेड सेंटर से ली थी, उसी शॉप की मैं बात कर रही हूँ, ट्रेड सेंटर सेकंड फ्लोर पे, शॉप का नेम मुझे याद नहीं आ रही क्योंकि बहुत टाइम हो गया उसको मतलब गए हुए हम लोगों को। तो इस तरह की चीजों का क्या फायदा होता है कि लिप और आई पेंसिल आप लोगों को एक ही चीज में मिल जाती है। क्लिप ग्लो से जो आप लोगों को साइड पे नजर आ रहा है, और ये जो हुदा ब्यूटी का, अच्छा ये जो है ना ये ऐसे है जैसे आप लगाओ ना तो ये आपके लिप्स से आपके होंठों पे पत्थर हो जाता है, ये उतरता ही नहीं है। मैंने एक बार ईद पे लगा लिया था, बहुत एक दो साल पहले की बात है, मैं फंस गई थी लगा के गाइस, क्योंकि ये उतरता ही नहीं था, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने लिपस्टिक कम, कोई मैट लिपस्टिक नहीं, मैंने कोई पत्थर लगा लिया। तो ये तो नॉन रिकमेंडेड है बिल्कुल भी, और ये वाला ठीक है नॉन रिकमेंडेड है। हम लोग के कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा आ जावे इसको मैं आप लोग को दिखा, एक लिपस्टिक है जिसका कलर लाइट है, ठीक है। उसके बाद जो ये जस्ट गोल्ड लिपस्टिक है रेड कलर में। उसके बाद जी हमारे पास ग्लैमरस फेस की रेड कलर में लिपस्टिक है, रेड कलर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे ना पिंक टाइप और इस तरह के जो कलर्स होते हैं लिपस्टिक पे वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद जी जस्ट गोल्ड, पता नहीं मैं यहाँ पर अटकी हो रही हूँ, जस्ट गोल्ड की हमारे पास लिपस्टिक है जो कि पिंक कलर में है, मैं सोच रही हूँ ईद पे यही यूज करूँ क्योंकि बहुत अच्छी और लाइट कलर मुझे लिपस्टिक में मैंने बताया आप लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अभी अभी अपने हाथ धो के आई हूँ इसलिए बड़े शानी शानी लग रहे हैं। अच्छा, ये वाजू की हमारे पास कलर स्टे की क्लासिफी लिपस्टिक है, ये बहुत बहुत अच्छी है, मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपको पहले बताया कि मुझे लाइट कलर लिपस्टिक में ज्यादा अच्छे लगते हैं, ज्यादातर मुझे रेड वगैरह कलर नहीं पसंद है। ये USHAS का एक हाईलाइटर है जो कि लिक्विड हाईलाइटर है, ठीक है जी। और जी रिवाज यूके का जो है, जिन लोगों के पास लाइनर नहीं है ये वो ले नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको शौक है मेकअप सीखने का, तो वो लाइनर से भी आईलाइनर लगा सकते हैं, लेकिन वो कम टाइम के लिए क्योंकि ये फैल जाएगा, ठीक है, जो कि लाइनर की जगह तो नहीं काम करेगा, लेकिन अगर आप लोगों को बहुत शौक है तो आप लोग इस तरीके से काम चला सकते हैं। क्रिस्टाइन का हमारे पास है कंसीलर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम यूज होता है इसलिए इसका ये हाल हूँ। मिडोरा की लिपस्टिक है, मिडोरा की लिपस्टिक मैं कहती हूँ सबके फेवरेट होंगी, क्योंकि ज्यादातर अब बहुत ज्यादा कोई महंगे महंगे कंपनियां ब्रांड आ गए हैं तो उनकी लिपस्टिक इतनी अच्छी नहीं होती, मिडोरा की लिपस्टिक में हर कलर इतने अच्छे होते हैं ना, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों को मिडोरा की लिपस्टिक कैसे लगती है नीचे कॉमेंट्स में बताइए। सारा एरिया हो गया, मैं आप लोगों को बॉक्सेस में कुछ चीजें वो दिखाती हूँ। आशुके का प्राइमर है मेकअप बेस जो कि बिगिनर्स के लिए है, मैंने कभी यूज नहीं किया है, वैसे अगर मैं नॉर्मल मेकअप कर रही हूँ घर प्रैक्टिस के लिए तब यूज कर लेती हूँ, तो लेकिन ईद वगैरह या किसी शादी वगैरह के लिए नहीं करती।
ہمارے پاس ایس ٹی لنڈن کا ہے. اچھا پتا کیا, گلیمرس فیس کا بہت اچھا ہے گائز فیس, اس کے مقابلے گلیمرس فیس بہت اچھا ہے. یہ زیادہ ایکسپینسو ہے اور اتنا اچھا بھی نہیں ہے, مجھے نہیں اتنا اچھا لگا میں نے یوز کیا ہے. اور گلیمرس فیس میں کہتی ہوں بیسٹ ہے. کورینو ڈبل کور کنسیلر ہے, ایک سائڈ پہ یہ مطلب لکوڈ ہے, ایک سائڈ پہ دوسری فارم میں. ٹھیک ہے, یہ ہائی لائٹر ہے, میں آپ لوگ کو دیکھ کے بتاتی ہوں کس چیز کا ہائی لائٹر ہے. برونز اینڈ برائٹ ہے. میں آپ لوگوں کو بڑی مزے کی چیز بتاتی ہوں, جو میں نے اپنا انسٹاگرام اسٹارٹ کیا تھا جس فرسٹ چیز کا میں نے ریویو دیا تھا وہ اسی ہائی لائٹر کا دیا تھا. یہ دیکھیں جی کرسٹائن کا ہائی لائٹر, اور میں کہتی ہوں میک اپ تو ہائی لائٹر کی جان ہوتا ہے. ایٹیٹیوڈ کا ریئل لوز پاؤڈر ہے جو کہ آپ لوگوں کو اپنی فیس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم لوگوں نے لاہور سے لیا تھا. انگریڈینٹس بھی ان کے اندر مینشن ہے. یہ ایٹیٹیوڈ کا ریئل لوز پاؤڈر جو کہ ایٹیٹیوڈ کرپشن سے ہے, اور کیونکہ میں اس طرح کے پروڈکٹس زیادہ یوز نہیں کرتی, بس میں اپنے کام کے پروڈکٹس یوز کرتی ہوں. یہ ایک کیڑی یہاں پر پتا نہیں کیا کرنے آئی. پالش کا ہے ہمارے پاس لکوڈ آئی لائنر واٹر پروف ہے جو کہ کلر ہے گرین میں, اور اس طریقہ کا ہے کیونکہ میں نے ایکسٹرا لائن آن کی ہوئی ہے اس لیے وہ اس طریقے سے آ رہا ہے. میرا فیس ایس پی ایف 35 پرفیکٹ نیچرل فری فاؤنڈیشن ٹو بی کیک ہے یہ, اور یہ بہت اچھا ہے, میرے طرف سے ریکمینڈیڈ ہے, میں نے بہت یوز کیا, بہت افورڈیبل پرائز میں آپ لوگوں کو بہت بہت اچھا فیس مل جاتا ہے. تو یہ لازمی سب لوگ لیجیے گا. یہ دیکھیں آپ لوگوں کو کہیں سے مل جائے گا, ہم لوگوں کو بہاول پور سے مل جاتا ہے, حاصل پور سے بھی ایزیلی مل جائے گا. تو آپ لوگ کسی بھی سٹی سے ہیں, کیونکہ جو مجھے زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں نا وہ اسلام آباد, لاہور, کراچی, اس طرح میری بہنیں دیکھتی ہیں انسٹاگرام پہ, یوٹیوب پہ, تو آپ لوگوں کو تو بہت ایزیلی مل جائے گا. سب سے پہلے کرسٹائن کی پروفیشنل پینٹ سٹک ہے ہم لوگوں کے پاس, جو کہ اندر سے ہے کچھ اس طرح سے. دیکھ لیں اس طرح کے ہم لوگوں کے پاس بہت سارے گلیٹرز ہیں, میں آپ لوگوں کو ان کے نا کلرز دکھا رہی ہوں. یہ دیکھیں ڈفرنٹ ڈفرنٹ کلرز ہیں گلیٹرز میں, آپ لوگ آئی میک اپ کے اوپر لگائیں, بہت بہت اچھے لگتے ہیں یہ. یہ دیکھیں میں آپ لوگ ابھی دکھاتی ہوں, یہ ایک بلیک میں ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ہینگ فینگ کے ہیں ہم لوگوں کے پاس ڈفرنٹ ڈفرنٹ کلرز میں. لیپکوس کا گلیٹر لائنر ہے. پھر جی یہ ہمارے پاس انڈین برائڈل کی ایک بیس ہے جو کہ ہم لوگوں نے بہت کم یوز کی ہے. اس کے بعد جی ایک گلیٹر ہے, اس کے بعد جی ایک لائنر ہے, اس کے بعد جی ایٹیٹیوڈ کے کچھ پاور لاسٹنگ, یہ پتہ نہیں ان کو کیا کہتے ہیں, یہ وہ ہے میرے خیال سے ان کو وہ کہتے ہیں مطلب پارے شارے, لیکن یہ جو پارے ہیں نا یہ آئی میک اپ میں بھی یوز ہو سکتے ہیں, لیکن ان سے اپنی اسکن بچائے کیونکہ دو نمبر ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے بھی ویسے ٹیسٹ کے لیے لیا تھا, ان سے نیل پینٹ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں کو شوق اس چیز کا. ٹھیک ہے, پارے شورے کا. اس کے بعد جی یہ ایک اور ہے گلیٹر اس طرح, اور جی واٹر پروف ہمارے پاس لائن. پھر ہے جی اسٹیج کا ہمارے پاس پرفیکٹ سیل فکسر, ایک بیس ہے جو کہ ہے کلیئر 45 کی میک. اس ٹرین کی فیس کنٹرولنگ ہے جس کا اندر سے حال بہت برا, لیکن میں آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہے. شو کا ٹچ کا ہے یہ, بہت ہی میں کہتی ہوں اڑنے والا آدھا میک اپ اس نے ہمارا چٹا چٹا کر دیا, مطلب اتنا گرتا تھا اس میں سے نا, ہم لوگوں نے اتنا یوز نہیں کیا جتنا یہ پھیلا ہے. ایک ٹڈا سا چھوٹا سا ہینگ فینگ کا مجھے گلیٹر ملا ہے, اور اس طرح کے گلیٹر ہم لوگ بہت کم یوز کرتے ہیں, زیادہ تر شادی وغیرہ میں ہو تو بندہ ہلکا سا چلو آئی میک اپ کر لیتا ہے, ویسے آگے پیچھے بالکل بھی یوز نہیں ہوتا. لولی کی بیبی انسٹنٹ فیئر لک میک اپ فنش کریم ہے, بیبی کریم کٹ ہے. ٹھیک ہے, جو کہ ہے پارلر پیک پارلر کی, مجھے نہیں یاد آ رہا کس کی ہے. ٹھیک ہے, ایسنس کا ہائی لائٹر ہے جو بہت اچھا ہے, اس کے اندر بہت سارے کلرز ہیں, ایک درمیان میں بلش ہونا, سائڈ میں سارے ہائی لائٹرز ہیں ڈفرنٹ ڈفرنٹ کلرز. تو گائز یہی تھی میری آج کی میک اپ ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ سب لوگوں کے ساتھ اپنی میک اپ کلیکشن شیئر کی, کیسی لگی بتائیے گا. میرا اس وقت بہت برا حال ہو رہا ہے, 5:03 ہو گئے ہیں اور موبائل کی بیٹری رہ گئی 28, میں نے موبائل کو لگانا ہے چارج. چلیے جی, ملتی ہوں میں آپ سب لوگوں سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. آج کی ویڈیو کیسے لگی بتائیے گا مجھے, اور پہلی ویڈیو تھی, انشاءاللہ میں آگے آگے بناتے جاؤں گی تو میری ویڈیوز میں بہتری آتی جائے گی. میری ویڈیوز کو لازمی لائک کیا کرے, کمنٹ کیا کرے, سبسکرائب کیا میرے کیا کرے میرے چینل کو, کیونکہ جب میں بول رہی ہوتی ہوں تیز تیز تو میرا کوئی نہ کوئی لفظ اٹکتا ہی اٹکتا ہے. چلے جی, ملتی ہوں میں آپ سب لوگ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. نیکسٹ ویڈیو میری انشاءاللہ ہوگی چاند رات ولاگ, اور پھر ای سیریز سٹارٹ ہو جائے گی ہم لوگوں کی. میں آپ سب لوگوں سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں لازمی بتائیے گا کہ آج کی میک اپ کلیکشن کیسے لگی. ضرورت کہ جو ہمارا میک اپ ہے نا صرف وہی ہے ہمارے پاس, اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. باقی جو باسکٹس میں چیزیں تھیں وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. ٹھیک ہے جی, کیسے لگی ویڈیو میں مجھے کمنٹس میں بتائیے گا. اور جو میں نے اس سے پہلے ویڈیو اپنی اپلوڈ کی ہے نا اپنی ای ڈریس ڈیزائننگ پہ, اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی, لاسٹ میں دیکھ لیجیے گا. چلے جی, میں پڑھتی ہوں سر کی نماز اور ملتی ہوں آپ سب لوگوں سے. اور آج حج, آپ سب لوگ لازمی حج کا خطبہ سنیے گا, میں نے بھی سنا تھا, اور اللہ پاک سب لوگوں کا حج قبول فرمائے. آج مطلب کہ آج کے اس مبارک دن کے صدقے سب لوگوں کے ہم گناہ گار لوگوں کے گناہ معاف فرمائے. ٹھیک ہے جی, چلے آج کی ویڈیو یہاں پر اینڈ کرتی ہوں. انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سب لوگ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.